नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, जब जानकारी प्राप्त करेंगे कि 25 धूर जमीन है, मतलब एक कट्ठा 5 धूर जमीन है, और वह जमीन जो है 2 खेसरा का है, मतलब 2 प्लॉट मिलाकर 25 धूर जमीन है, एक में 12 धूर है और एक में 13 धूर है। तो 12 धूर का तो लगान रसीद मेरा कट रहा है और 13 धूर का जो जमीन है वह बेलगान है, उसका लगान रसीद नहीं कट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है तो हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि आपका 25 धूर जमीन है, मतलब एक कट्ठा 5 धूर जमीन है, और उसमें 12 धूर का कागजात आपके पास है, दोनों का केवाला है, मतलब 25 धूर का भी केवाला है, ठीक है, 12 धूर और 13 धूर का, लेकिन 12 धूर का जो है लगान रसीद आपका कट रहा है, 13 धूर वाला जो प्लॉट है वह प्लॉट बेलगान है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आप सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि वह जो खेसरा है वह बेलगान क्यों है, वह किस कैटेगरी में जमीन आता है, इसे आपको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए आप अपने राजस्व कर्मचारी के पास जा सकते हैं, वहां पर जाकर आप इसे पता कर सकते हैं कि आखिर ये बेलगान क्यों है, ठीक है। कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है, कुछ जमीन ऐसे भी होते हैं कि उसका लगान निर्धारण नहीं होता है, लेकिन वह हो सकता था, ठीक है। तो आप पहले जाए वहां पर समझ लें कि आखिर परिस्थिति क्या है जमीन की, ठीक है। उसके बाद अगर उसका लगान निर्धारण हो सकता है तो उसका लगान निर्धारण आप करा सकते हैं, ठीक है। अगर लगान निर्धारण हो गया तो आपका लगान रसीद कट सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।